नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमेश गोचर ब्लॉग में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारत ने चीन की 69 ऐप को बैन कर दिया है। इनमें टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, एम आई कम्युनिटी, बहुत सारी ऐप्स हैं। 69 टोटल ऐप्स हैं। मैं इनका स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ वीडियो में। वो ऐप्स बैन कर दी, पर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है भारत और चीन की सेना पर सीमा पर जो विवाद चल रहा है, उसके कारण भारत ने उसकी ऐप्स को बैन किया है। इसी वजह से इन ऐप को बैन किया है, क्योंकि इन ऐप के थ्रू चीन में बहुत पैसा जाता था और इनकी ऐप पर बहुत ही ज़्यादा कम्युनिटी जुड़ी हुई थी। इंडिया की बहुत ज़्यादा लोग टिकटॉक को यूज़ करते थे। आज टिकटॉक हर कोई बंदा यूज़ कर रहा है, छोटे से बच्चा लेके बड़े से बड़े स्टार तक यूज़ कर रहा है टिकटॉक को। इसके थ्रू, टिकटॉक ऐप के थ्रू उनको बहुत पैसे मिलते थे चाइना को, इसलिए भारत ने इस ऐप को बंद कर दिया है और भारत सरकार ने निर्णय दिया है इस ऐप को बैन कर दिया गया है आज। और मैं आपको लिस्ट देता हूँ, ये लिस्ट है यहाँ पर जो ऐप्स हैं वो बैन हो चुकी है, वो लिस्ट इधर साइड में दे देता हूँ मैं आपको बताने के लिए। वो लिस्ट है, आप इन ऐप को यूज़ ना कीजिए और भारत को सपोर्ट कीजिए, और यही मेरा मैसेज है। तो कृपया आप इन वीडियो को, इन ऐप्स को मत यूज़ कीजिएगा, यही मेरा मैसेज है। और इस मैसेज को पूरे वर्ल्ड में फैला दीजिए कि इन चाइनीज़ ऐप को अपने को यूज़ नहीं करना है और ना ही इनके मोबाइलों को यूज़ करना है। अगर आपके पास मोबाइल है तो उसको आप 1 साल तक यूज़ कर लीजिए। 1 साल तक यूज़ करने के बाद उसको फिर या तो आप उसको कंपनी में कटवा दीजिए, और जब भी मोबाइल लें विदाउट चाइनीज़ कंपनी का लें। आप ले सकते हैं लिनोवो, एप्पल, लावा और माइक्रोमैक्स, इन कंपनी का ले सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंडेड करूँगा और आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप चाइनीज़ ऐप को ना यूज़ करें और अपने सैनिकों के सम्मान के लिए इस चीज़ को करें आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद।